बीकेसीआई के स्पेशल शो अब होंगे आपके घर। यहां दिखाई दे रहा है आपको, आप क्रीम या इसे मलाई कह सकते हैं, क्रीम या मलाई। छत्तीसगढ़ी लोकल भाषा में इसे हम साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? साड़ी। मलाई कैसे प्राप्त होता है, क्रीम कैसे प्राप्त होता है? दूध गर्म करने की वह प्रक्रिया, मतलब कि दूध जब हम गर्म करते हैं, दूध के ऊपरी परत में वसा का एक परत निर्माण होता है, एक चिकनी परत निर्माण होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मलाई या क्रीम कहते हैं। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हम दूध को गर्म करते समय ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ मिल्क, हम मिल्क को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं कि दूध में जो वसा है, दूध के अंदर अघुलनशील अवस्था में नॉन सॉल्युबल या अनसॉल्युबल फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। और ये किस पोजीशन में होते हैं, किस स्थिति में होते हैं? छोटे छोटे कण ग्रेन्युलर फॉर्म में होते हैं। जब हम दूध को गर्म करते हैं, नीचे से हीट मिलता है, इसमें बर्तन को हीट मिलने की वजह से क्या निर्माण होता है नीचे में? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और धीरे धीरे जब दूध गर्म होता है तो ये आपस में जितने भी वसा के कण हैं, फैट ग्रेन्युल्स हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिलकर दूध की ऊपरी सतह पर, मिल्क के अपर सरफेस पर एक चिकनी परत का, एक सॉफ्ट लेयर का निर्माण करता है, जिसे हम क्रीम कहते हैं। क्रीम में उपस्थित होता है वसा और प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। चले, तो इस प्रकार क्रीम का जो गुण है, क्वालिटी क्या है? क्रीम दिखने में पीले रंग का, कौन से रंग का? पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का। और किसके कारण? कैरोटीन और जैंथोफिल, ये दो वर्णक हैं, दो पिगमेंट हैं जो क्रीम को क्या करते हैं? येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कैरोटीन किससे प्राप्त होता है? कैरोटीन तो विटामिन ए का प्रीकर्सर है, तो कैरोटीन हरे चारों से प्राप्त होता है पशुओं को। और जैंथोफिल दानों से, वो भी किससे? मक्के के दाने, भुट्टा, ठीक है। रंग क्या होता है? पीला होता है ना, तो भुट्टे के रंग का पीला रंग किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। तो हम चारा दाना दोनों देते हैं, ठीक है। चले, तो ये मलाई का गुण है, पीले रंग का होता है, कैरोटीन और जैंथोफिल। और सबसे ज्यादा क्रीम में वसा की मात्रा के कारण, क्रीम में क्या होता है बेटा? वसा होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? वसा, जिसके कारण भी क्रीम क्या दिखाई देता है? पीले रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार क्रीम के भी अलग अलग क्वालिटीज हैं, इस क्वालिटीज को हम आगे पढ़ेंगे। चूंकि क्रीम वह पदार्थ है जो गाय और दूध, सॉरी टू से, वह पदार्थ है जो गाय और भैंस के दूध से प्राप्त किया हुआ एक चिकनी परत है, प्राप्त किया हुआ एक चिकनी परत है, जिसमें कम से कम 20 से 25 प्रतिशत वसा या फैट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं आगे। चले, नोट कर सकते हैं इसको। चलें, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये डेफिनेशन से ही आता है बेटा, कि इसमें बोल रहे हैं जब दूध को बिना हिलाए, जब मिल्क को बिना डिस्टर्ब किए गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो दूध के ऊपरी परत पर, अपर सरफेस पर एक चिकनी परत का निर्माण होता है,
सॉफ्ट लेयर फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है बेटा, पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि दूध को गर्म करते समय दूध को हिलाया नहीं जाता है, इस प्रकार हमें कौन सा दुग्ध पदार्थ प्राप्त होता है? तो कौन है वो? क्रीम है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, वो भी 3 बार पूछ चुका है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले बता चुका हूं क्रीम में, इसको पूरा मैं स्क्रीन में ले आता हूं सारे पॉइंट्स को, फिर अपन उसको डिस्क्राइब करेंगे। चले फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं, जिसे क्वेश्चन बता चुका हूं आप लोगों को मैं। आगे नेक्स्ट है, क्रीम में विटामिन ए, कैरोटीन और जैंथोफिल की अधिकता के कारण, ये बता चुका हूं मैं। कैरोटीन को विटामिन ए कहते हैं, जैंथोफिल किससे प्राप्त होता है? दानों से प्राप्त होता है, वो भी जब हम आहार देते हैं पशुओं को, तो भुट्टे का दाना, मक्का, मेज, उसके कारण हल्का पीला। और हल्का पीला और क्या बता चुका हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण, क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण भी क्रीम का रंग हल्का पीला होता है। चलिए, इस प्रकार जो बाजार में मिलने वाला जो क्रीम है, उसमें 30-50% तक क्या होता है बेटा, फैट होता है, फैट परसेंट, वसा प्रतिशत, इसको आप फिक्स लिख सकते हो 45%। ठीक है, 45%। इसी प्रकार जो नॉर्मल क्रीम है, जो आप घर से तैयार करते हो, उसमें लगभग 20-25% तक फैट होता है। क्या होता है? 20-25% तक। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि खाने वाले क्रीम में कौन सा क्रीम खाते हो आप? खाने में तो यूज सभी करते हो आप, खाने में यूज सभी चीज को करते हो आप, तो सभी प्रकार के क्रीम को करोगे आप खाने वाले क्रीम में, तो आप यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, 45% को लिखना, या 30-50% को लिखना। खाने वाले क्रीम में 3-50% फैट होती है, जो साधारणतः बाजार में मिलता है। ठीक है, और नॉर्मल घर में जो तैयार करते हैं उसमें 20-25%। ठीक है, तो उसी प्रकार जो नॉर्मल सबसे कम फैट वाला, मिनिमम फैट वाला जो क्रीम है, उसमें टेबल क्रीम आता है, कॉफी क्रीम आता है और लाइट क्रीम आता है। ये प्रकार है किसके, क्रीम के, टाइप्स ऑफ क्रीम है बेटा। ठीक है, उसमें 20-25% जो मध्यम क्रीम है, आप एक टेबल क्रीम, कॉफी क्रीम या लाइट क्रीम को पतला क्रीम भी बोल सकते हो, थीन पतला क्रीम भी बोल सकते हो, मध्यम क्रीम या व्हिपिंग जिसको कम गाढ़ा क्रीम, उसमें 25 से 45% एवं गाढ़ी क्रीम, गाढ़ी क्रीम का मतलब है विस्कस, विस्कस क्रीम में 45-65% तक। ठीक है, और आगे टाइप है बेटा प्लास्टिक क्रीम, सबसे गाढ़ा अधिक मोटा क्रीम। ठीक है, उसे उसमें होता है 65-85% तक। तो इस प्रकार क्रीम में अधिकतम, क्रीम में फैट सेम नहीं होता बेटा, मिनिमम कितना 20-25% और मैक्सिमम कितना 65-80%। सबसे ज्यादा गाढ़ा होने के कारण इसका नाम दे दिया गया है प्लास्टिक। क्या बेटा? प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक नहीं मिलाया जाता ना, याद रखना। चलें, तो इस प्रकार ये 3 कैटेगरी है, इसमें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रीम, टाइप्स ऑफ क्रीम, पतला, कम गाढ़ा, गाढ़ा और सबसे ज्यादा गाढ़ा, 20-25 पतला, 25-45 गाढ़ा या कम गाढ़ा, विस्कस 45-65 और ज्यादा विस्कस 45 से 65 और 65-85% सबसे ज्यादा गाढ़ा। मिनिमम कितना परसेंट तक फैट? 20-25%, मैक्सिमम 65-85% तक। तो इस प्रकार क्रीम पृथक्करण की विधियां, जिसमें आप अधिक वसा वाला जो क्रीम का टाइप देख रहे हैं आप, यहां पर टाइप्स ऑफ क्रीम जो मैक्सिमम फैट है, उस क्रीम को प्राप्त करने का एक ही सिद्धांत है अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल मेथड के थ्रू। कौन से थ्रू? सेंट्रीफ्यूगल। और जो ये कम वसा वाला दिखाई दे रहा है ना आपको 20-25% तक, ये सब किससे प्राप्त होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण, मतलब दूध को गर्म करके घरेलू विधि के द्वारा।
तो इस प्रकार दूध से क्रीम प्राप्त करने की दो विधियां हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्री विधि। कौन सी? अपकेंद्री विधि। यहां पर पेपर में आता है क्वेश्चन के मेथड ऑफ क्रीम ऑब्टेंड, दूध से क्रीम प्राप्त करने की विधियां हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो आप क्या लिखेंगे? ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, ये तो दो विधियां हैं। बट सबसे पहला विधि जो है गुरुत्वाकर्षण विधि, इसकी तुलना में सबसे अच्छी विधि कौन है? अपकेंद्री विधि। अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेट, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। क्रीम सेपरेटर, क्या? क्रीम सेपरेटर, समझ गए? अपकेंद्री अपन पढ़े थे पिछले क्लासेस में। चलें, गुरुत्वाकर्षण विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि को मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी मेथड, या वसा गोलिकाओं के आकार पर निर्भर है बेटा। किस पर? दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन फैट ग्रेनुअल साइज ऑफ मिल्क फैट। ठीक है, ये फैट ग्रेनुअल के साइज पर क्या है? डिपेंड है, जो वसा गोलिकाएं होती है ना। तो समझ जाओ आप, इधर गाय के दूध को उसे क्या करिए, क्रीम निकाल रहे हो, मलाई निकाल रहे हो गरम करके दूध को, और एक तरफ एक बर्तन में किससे निकाल रहे हैं आप लोग? भैंस से, भैंस के दूध से। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि भैंस के दूध के जो वसा गोलिकाओं का आकार, फैट ग्रेनुअल साइज 5 माइक्रोन है, और 2.5 to 3 माइक्रोन किसका है? गाय का। तो सबसे मोटा और सबसे जल्दी वसा किससे प्राप्त होगा? किससे? भैंस के दूध से, क्योंकि यह ग्रेविटेशनल मेथड। एक बर्तन है, बर्तन में आप क्या लिए? दूध लिए, और बर्तन को किस में रखे? आंच में, आंच मतलब हीट में, गैस वगैरह में, आग में, और आप उसको क्या किए? गरम करते, गरम करते धीरे धीरे तापमान क्या हुआ? बढ़ गया। तो हीट मिलता है कहां से बेटा? नीचे से, बर्तन के नीचे से हीट मिलता है, मतलब ग्रेविटी। ठीक है, चलो तो गुरुत्वाकर्षण विधि में आपको बताया था क्या, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? वसा गोलिकाओं के आकार पर। तो गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा क्रीम प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? ग्रेविटी मेथड के द्वारा, ग्रेविटेशनल मेथड के थ्रू क्रीम ऑब्टेन करने के कितने मेथड है? 5 मेथड्स है। कितने मेथड है? 5, मुख्यतः दो विधियां हैं बट इसको हम 5 मेथड्स में जानेंगे अपन। ठीक है, टोटल 5 मेथड्स हैं, यहाँ पर 2 मेथड्स को आप इग्नोर करेंगे, 5 मेथड्स हैं टोटल। उथली कढ़ाई विधि, सैलो पैन मेथड, चलें, एक कढ़ाई है, ठीक है, इस विधि, ये इसको हम क्या बोलेंगे? एसपीएम। कौन सा मेथड? एसपीएम मतलब कि सैलो पैन मेथड। सेलो का मतलब है इसका जो व्यास डायमीटर है, किसका? चलो इसको डायमीटर मैं फिर से बना देता हूं समझने के लिए। आप बोलोगे सर छोटा डायमीटर है, ये रहा, ये कढ़ाई है। कौन सा कढ़ाई है? एसपीएम। ठीक है, तो इस विधि में जो कढ़ाई है जिसे हम दूध को क्या करेंगे? दूध को रखेंगे और इससे क्रीम प्राप्त करेंगे, तो इसमें इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, 18 से 24 इंच, 18 से 24 इंच, बट इसकी गहराई क्या है? कम है, 4 इंच, इसलिए इसको, इसका व्यास, इसका डायमीटर कढ़ाई का ज्यादा होने की वजह से इसको हम क्या बोल दिए बेटा? उथला या सैलो बोल दिए। ठीक है, बट इसमें इसकी गहराई, इसकी डिप्थ, इसका क्या है बेटा? कम है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे कढ़ाई का हम उपयोग करते हैं। इस कढ़ाई में दूध को 10 डिग्री सेल्सियस या 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 24 घंटे तक रखते हैं। ठीक है, जिससे दूध की वसा हानि, फैट लॉस क्या होता है बेटा? 0.5 से 0.7% होता है। समझे? मतलब कि इसमें हम दूध को रख दिए,
एक अलग से बर्तन लेंगे, क्या लेंगे, एक अलग से बर्तन, इसमें आइस क्यूब या बर्फ पानी या ठंडा पानी जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहां रख दिया अपन पानी में, ये रख दिया, तो ग्रेविटी मिल रहा है ना ठंडे पानी से, ग्रेविटी मिल रहा है ना ठंडे पानी से दूध में, दूध को, ठीक है, 24 घंटे बाद दूध की ऊपरी सतह पर, 24 घंटे बाद दूध की ऊपरी परत पर लेयर बन जाएगा किसका, क्रीम का, किसका, क्रीम का, जिसे आप चम्मच के द्वारा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी 24 आवर्स तक हम क्या रखें, ठंडे पानी में किसको रखें, दूध को रखें, क्रीम प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण 0.5 से 0.7% तक, मतलब मान लोगे जाए इस विधि के द्वारा तो 20 से 25% तक ही क्या होता है, फैट परसेंट होता है इसमें, तो उसमें से 0.5 से 0.7% वसा हानि, फैट लॉस हो गया बेटा, क्या हो गया, फैट लॉस हो गया, फैट लॉस का मतलब है कि वसा गोलिकाओं के कुछ कण, फैट ग्रेनुअल्स के कुछ पार्ट क्या हो गए, दूध में सॉल्युबल हो गए, तो वसा के कणों का दूध में घुल जाना वसा हानि कहलाता है, फैट लॉस कहलाता है। जैसे कि आप दूध को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं घर में, उबालते हैं दूध को, बाद में क्रीम बनता है, तो उसमें कुछ ना कुछ फैट परसेंट क्या हो जाता है बेटा, लॉस होता है, ठीक है। चलें, याद रखेंगे सैलो पेन मेथड का इंपॉर्टेंट है, इसकी गहराई और इसकी व्यास, ठीक है, और जो पेन में हम क्रीम प्राप्त करेंगे पेन के द्वारा या कढ़ाई के द्वारा, उसमें जो टेम्परेचर होगा पानी का वो है 10 डिग्री 40 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब उसके बाद है सेकंड मेथड है गहरी कढ़ाई विधि। गहरी कढ़ाई विधि में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कोई चेंजेस नहीं है। गहरी कढ़ाई में, डीप पैन मेथड में, इसको हम बोलेंगे डीपीएस, डीपीएस, डीप पैन, डीपीएम बोलेंगे, डीप पैन मेथड, ठीक है, या डीप पैन मेथड बोल सकते हैं इसको। अब इसमें जो कढ़ाई का व्यास है वो क्या होगा, कम होने की वजह से कढ़ाई का गहराई क्या हो गया, ज्यादा, मतलब कि गहराई क्या हो गया, 20 इंच, और इसका डायमीटर, व्यास क्या हो गया, 8 से 12 इंच, ठीक है, उसमें दूध दूध फैल जाएगा। अब फैला है तो कम घनत्व, कम इंटेंसिव, ठीक है, कम डेंसिटी उस कढ़ाई में, इसमें गहराई ज्यादा है तो दूध का घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, बस वही मतलब है, ठीक है, इसमें गहराई ज्यादा होगा, उसमें गहराई कम होगा। सेम प्रोसेस के दूध को, कढ़ाई को हम 10 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखेंगे 24 घंटे के लिए, और इसमें वसा हानि इसकी अपेक्षा कम होगा, 0.3 से 0.5, मतलब इसमें भी अब वसा हानि होगा, मतलब वसा का गोलिकाओं का कुछ कण इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। चले, इसको अपने कॉपी में जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए उतार सकते हैं आप लोग। चले, इस प्रकार आगे है, पानी मिलाकर क्रीम प्राप्त करना, पानी मिलाओगे तो दूध का अपेक्षित घनत्व ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑब्वियसली पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल से है कि इस विधि में पानी मिलाकर अपेक्षित घनत्व कम कर लेते हैं, पहले बता चुका हूं, जैसे ही आप पानी मिलाएंगे दूध में तो दूध पतला हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, चूंकि क्रीम जो होता है बेटा वो दूध के अपेक्षित क्रीम का अपेक्षित घनत्व, क्रीम का रिलेटिव डेंसिटी दूध के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, कम होता है, और दूध के वसा के अलावा दूध के अन्य अवयव का अपेक्षित घनत्व वसा से क्या होता है, अधिक होता है। तो जैसे जैसे दूध में क्या होता है, जैसे जैसे वसा बढ़ेगा तो उसका अपेक्षित घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो
पानी मिला दिए तो अपेक्षित घनत्व कम हो गया। क्यों कम हुआ याद करो, रिमाइंड करो। अरे याद करो यार, 3-4 चैप्टर पहले किया था मैं के अपेक्षित घनत्व कैसे कम। दूध में जब हम पानी मिलाए तो दूध पतला हो गया, मतलब दूध के अंदर अन्य ठोस पदार्थ वसा के अलावा वो क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। ठीक है, तो मिलाने के बाद 12 घंटे तक 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, 38 डिग्री किसके अकॉर्डिंग, एसपीएम मेथड के द्वारा या डीपीएम मेथड के थ्रू, है ना। यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है भैया, तो 10 डिग्री था यहां पर, तो 38 डिग्री पर 12 घंटे तक रखना है। अतः दूध को हमको पतला करना पड़ेगा वरना दूध क्या हो जाएगा, खराब। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है जर्सी क्रीम विधि। जर्सी गाय का नाम सुने होंगे आप लोग, गाय नहीं है भैया, क्या ऐसा नहीं कि जर्सी गाय से ही हम क्रीम निकालेंगे, वो इस विधि के अंतर्गत इस मेथड के अंडर आएगा, ऐसा नहीं है। सुने ना जर्सी गाय का नाम, ठीक। जर्सी एक मेथड का नाम है बेटा, एक कंट्री का नाम है, आइलैंड का नाम है, ठीक है, वहां पर इसका इन्वेंशन किया गया है। तो यहां पर आप डेफिनेशन देखना, इस मेथड में टू वॉल वाले पॉट का यूज किया जाता है, पॉट या यूटेंसिल्स का यूज किया जाता है, टू वॉल्स। अब यहां पर समझाता हूं आपको मैं, अब यहां पर एकदम क्लियर समझना आप। एक ये बर्तन हो गया और एक ये बर्तन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट बर्तन और ये सेकंड बर्तन, तो वन वॉल और टू वॉल, दो वॉल वाले, ठीक है, बर्तन का यूज किए, जिनके बीचों बीच 87.8 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है यहां पर, लगभग 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पर गर्म पानी भरेंगे, क्या भरेंगे, गर्म पानी, हॉट वाटर, गर्म पानी यहां पर डालेंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला बर्तन है उसमें हम क्या डाल दिए, दूध डाल दिए, क्या डाल दिए, दूध। तो इसके गर्म पानी की वजह से इसका टेम्परेचर हम कहां तक पहुंचाते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस तक, कहां तक, 45 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, पहुंच गया। फिर दोनों के बीच में जो पानी भरा हुआ है 87.8 डिग्री सेल्सियस, इस पानी को हम निकाल कर बाहर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और उसमें 10 डिग्री सेल्सियस वाला ठंडा पानी डालते हैं। फिर क्रीम का परत क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसे चम्मच से बाहर निकाल लिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या है बेटा, जर्सी क्रीम विधि की या जर्सी क्रीम मेथड का क्या है बेटा, प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है स्कॉडलिंग, घर में बनाते हैं उसी को स्कॉडलिंग बोलेंगे अपन। सर्वप्रथम दूध को, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क को हीट करके, दूध को गर्म करके बिना हिलाए कुछ देर रखते हैं, यही प्रोसेस रखते हैं अपन घर में, ठीक है, जिसे वसा क्रीम के रूप में ऊपर आ जाती है और दूध खट्टा नहीं हो पाता है और चम्मच के द्वारा उस क्रीम को बाहर निकाल लिया जाता है। तो प्राइमरी 5 मेथड, मेन 5 मेथड है ग्रेविटेशनल मेथड के, इस 5 मेथड के थ्रू हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ये जितने भी 5 मेथड्स हैं इसमें फैट परसेंट 45-65% तक नहीं जाएगा, ओके, नहीं जाएगा, इसमें ओनली ऑन रहेगा 20-25% फैट रहेगा इसमें, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट है अब केंद्रीय विधि। दूध को क्रीम सेपरेटर में डालकर, दूध को क्रीम सेपरेटर में डालकर दूध का क्या किया जाता है बेटा, मंथन, चर्निंग किया जाता है।
जिसके कारण वसा हल्की होने के कारण क्रीम सेपरेटर का जो सिलेंडर होता है उसके बीच में क्रीम सेपरेटर दूध बीच में आ जाता है सेंटर में, और वसा रहित ठोस सॉलिड नॉट फेट भारी होने के कारण वो झाग के रूप में दूध से बाहर हो जाता है, हट जाता है, दूर हट जाता है। फिर जो सेंटर में आया हुआ जो फैट है उसे हम अलग कर लेते हैं। यह सिद्धांत ही क्या है बेटा, अब केंद्रीय विधि है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल मेथड है। तो इस प्रकार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रीम पृथक्करण की यह एक सर्वोत्तम विधि है। हम वहां पर पढ़ चुके हैं क्रीम निकाला जाता है, क्रीम निकालने की सबसे अच्छी विधि अब केंद्रीय विधि, ठीक है। और उसके लिए कौन से मशीन का उपयोग करते हैं? क्रीम सेपरेटर। और कौन से बल पर काम करता है क्रीम सेपरेटर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब इसके जो सिद्धांत मैं बता चुका हूं कि वसा हल्की है, पहले बता चुका हूं, केंद्र में आ जाती है, मंथन होता है, चर्निंग जब होता है तो, और वसा रहित ठोस सॉलिड नॉट फेट भारी होने के कारण केंद्र से दूर हट जाता है झाग के रूप में। इस विधि में क्रीम सेपरेटर यहां पर बताया हूं का उपयोग किया जाता है। इसमें वसा हानि 0.1 बिल्कुल भी कम, इसलिए इसको सर्वोत्तम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सर्वोत्तम बोला जाता है। चले तो यहां पर क्रीम को पकाना, बेकिंग को रिपैनिंग ऑफ क्रीम भी बोल सकते हैं। क्रीम को क्या बोल सकते हैं? रिपैनिंग ऑफ क्रीम भी बोल सकते हैं। रिपैनिंग ऑफ क्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलें तो यहां पर हम आगे देखते हैं भी, क्रीम को पकाना। एक्चुअल में क्रीम पकाने का जो उद्देश्य है बेटा, जो मेन ऑब्जेक्ट है क्रीम को पकाने का, रिपैनिंग करने का, वो है मिल्क का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से क्रीम को अधिक स्वादिष्ट बनाना। क्या बनाना? अधिक स्वादिष्ट बनाना, मैक्सिमम टेस्टी, ठीक है। अधिक स्वादिष्ट बनाना, मैक्सिमम टेस्टी, ठीक है, मोर देन टेस्टी बनाना, मेकिंग करना। इसके लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं, मतलब कि जामन, कोगुलेशन, कोगुलेशन बताया था ना आपको, कोगुलेट, जामन, पुराना दही जिसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, समझे। ये जामन मिलाया जाता है बेटा। क्या मिलाया जाता है? जामन। किसमें? क्रीम में। चले तो कैसे होता है, और जामन मिलाने पर क्या क्या प्रोसेस या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है किसमें? क्रीम में। किस किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है किसमें? रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण, हम उसको देखते हैं। चले तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बता ही चुका हूं कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू क्रीम को मैक्सिमम टेस्टी बनाना, जिसके लिए फॉलोइंग टर्म्स को कीप इन माइंड रखेंगे। तो क्रीम को जो पकाने के लिए जो पुराना दही, क्रीम को पकाने के लिए जो पुराना दही है, या उसको हम जामन घर में बोलते हैं ना, जामन बेटा दही बनाने के लिए यूज होता है, उस जामन का जो एसिडिटी है 0.8% होना चाहिए और उसका पीएच कितना होना चाहिए? 4.1 to 4.3% होना चाहिए, ठीक है। ये आइडियल, इससे ज्यादा, इससे कम, इससे ज्यादा एसिडिटी ले सकते हैं यूज, लेकिन इनकी क्वांटिटी एसिडिटी परसेंट और पीएच इतना होने पर वो आइडियल फॉर्म पर आदर्श रूप से क्रीम तैयार होता है बेटा, वो एग्जैक्ट है, ठीक है, एसिडिटी इसके लिए।
पाश्चराइज्ड समझते हो? किसी भी दुग्ध पदार्थ में, जैसे कि दूध को हल्का सा गर्म कर दिए, किसके अंतर्गत आएगा? पाश्चराइजेशन। हल्का सा, एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी दुग्ध दूध को या दुग्ध पदार्थ को गर्म करना, 61 to 62 डिग्री सेल्सियस होता है पाश्चराइजेशन टेम्परेचर, ठीक है? तो दूध को मात्र गर्म करना क्या कहलाता है बेटा? वो पाश्चराइजेशन। तो यहां पर दिया है पाश्चुरीकृत क्रीम को, मतलब जो क्रीम हम हमारे द्वारा निकला है, कहां से? क्रीम सेपरेटर से। उस क्रीम को हल्का सा गर्म कर देना जीवाणु को मारने के लिए, बैक्टीरिया जो अवेलेबल होते हैं ना क्रीम में, उसको किल करने के लिए। तो उसमें जामन कितना मिलाएंगे? 1.3 से 3% तक जामन मिलाकर, और वो भी जामन मिलाकर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं? पकाते हैं। तो जो जामन मिलाते हैं इसमें क्रीम में, किस टेम्परेचर पर? 18 to 21 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर। क्या? रूम टेम्परेचर। और बिना पाश्चुरीकृत, बिना गर्म किया हुए क्रीम को, अनपाश्चुराइज्ड क्रीम को, उसमें ज्यादा लगेगा। क्या ज्यादा लगेगा भाई? इसमें ज्यादा लगेगा क्या? जामन, ठीक है? तो 2 to 5% वो भी लगभग 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर, या 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं? पकाते हैं, ठीक है? ओके, चले। अब हम जामन मिलाए हैं किसमें? क्रीम में। क्या मिलाया है? जामन मिला है, मतलब खट्टा दही। उसका एसिडिटी कितना परसेंट है बेटा? 0.8% है। कितना है? 0.8%। तो कभी आप खट्टा क्रीम खाएं क्या? जो मार्केट में मिलता है वो क्रीम कभी खट्टा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन यहां पर तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्रीम जो डाले यहां पर, क्रीम में जो जामन मिलाए हैं या पुराना दही जो मिलाए हैं, उसकी एसिडिटी परसेंट तो ज्यादा है बेटा, वो तो क्रीम को खट्टा करेगा। तो क्रीम को खट्टा, अब तो ये हो गया भाई खट्टा क्रीम। अब उसमें क्रीम का एसिडिटी तो इंक्रीज हो चुका है, क्रीम का जो एसिडिटी परसेंट है वो इंक्रीज हो चुका है, क्रीम की अम्लता बढ़ गया है। उसको कम करने के लिए कुछ बेसिक नेचर के एक्टिव मटेरियल हम यहां पर क्या करते हैं? यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम किसमें आता है? क्षारीय प्रकृति। इसको हम डालेंगे तो अम्लता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना पढ़े ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है? चले, प्रिकॉशन है, सावधानियां है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर हम क्रीम निकला है कहां से? क्रीम सेपरेटर से। कहां से? क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकला है, सीधा उस क्रीम को यूज करो। आप सर, आप बोलोगे सर उसमें आप जामन क्यों मिलवा रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया क्यों मिलवा रहे हैं? तो भैया जामन मिलाना पकाने के अंतर्गत आता है, रैपनिंग ऑफ क्रीम के अंतर्गत आ रहा है ना, अंडर ऑफ रैपनिंग ऑफ क्रीम आ रहा है ना। अब पकाने का मतलब क्या है? हमारा भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फॉर्म से उसके टेस्ट में चेंज करना है। तो जो क्रीम में जो साइट्रिक एसिड है, क्या है? देखो ये जो जितने भी जामन है, जितने बैक्टीरिया है, कौन से फैमिली के हैं बेटा? कोकाई फैमिली के। स्ट्रेप्टोकोकस सुने हैं आप लोग? स्टेप्टोकोकस लैक्टीज, स्टेप्टोकोकस सीरमोरिस, सुने हैं आप लोग? ठीक है, इसमें और भी कुछ है, पैरासाइट्रोबोरस, स्टेप्टोकोकस साइट्रोबोरस, ये कुछ विभिन्न टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के क्या बैक्टीरिया हैं। ये क्रीम में प्रेजेंट जो साइट्रिक एसिड है उसका क्या कर देते हैं बेटा? फर्मेंटेशन करके उस साइट्रिक एसिड को किसमें चेंज कर देते हैं? डाइएसिटिलीन में। किसमें? डाइएसिटिलीन। और डाइएसिटिलीन क्या है बेटा?
सुवास फ्लेवर किसका, क्रीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यही टेस्ट यही सुवास के लिए हम क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्रीम सबसे बेस्ट मेथड है ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल मेथड में सबसे बेस्ट कौन है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड है क्रीम सेपरेटर, तो उसी का कुछ प्रिकॉशन है इसमें। क्रीम सेपरेटर को प्लेन सरफेस पर समतल स्थान पर, प्लेन सरफेस पर सॉरी क्रीम सेपरेटर को सरफेस प्लेस पर प्लेन या प्लेन सरफेस पर समतल स्थान पर रखना चाहिए। इसमें दूध एक समान गति से, ज्यादा स्पीड में नहीं, सेम स्पीड में भेजेंगे, धीरे धीरे, बता चुका हूं पहले, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखेंगे इसको, क्रीम सेपरेटर को। और ये पहले बता चुका हूं आपको मैं कि क्रीम सेपरेटर में जो शुद्ध एवं ताजा प्योर फ्रेश मिल्क जो भेजते हैं, भेजते समय उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए दूध का, 30 से 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नोट कर लेना यहाँ पर। इसके बाद उसका स्पीड कितना होना चाहिए क्रीम सेपरेटर का, हैंडल का जो स्पीड जो चलाते हैं, मंथन करता है, चर्निंग करता है, उसका स्पीड 1100 RPM, ठीक है। क्रीम स्क्रू पता है आपको, क्रीम स्क्रू को ठीक से कसना चाहिए, कसना मतलब टाइट करना चाहिए, क्योंकि फैट परसेंट इसी से कंट्रोल होता है, ज़्यादा फैट परसेंट ढीला पतला क्रीम चाहिए तो आप क्रीम स्क्रू क्या कर दोगे, ढीला, बता चुका हूँ ना आपको मैं, अरे फोर्थ चैप्टर में बताया हूँ ना आपको मैं क्रीम सेपरेटर में। और जब उसको ज़्यादा गाढ़ा आपको, ज़्यादा विस्कस क्रीम चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको टाइट कर देंगे। चले इस प्रकार 25% जो वसा वाली क्रीम का रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 1.08008, और 40% जो फैट वाला जो क्रीम है उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.995। मतलब कि जैसे जैसे वसा फैट बढ़ेगा, फैट परसेंट उसका, उस क्रीम का रिलेटिव डेंसिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट है बेटा, कंपेयर बिटवीन ग्रेविटेशनल मेथड एंड सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है, एडवांटेजेस है उसके। इसमें आप देखेंगे कि क्या कंपेयर है, ऑब्वियसली वही कंपेयर है कि जब हम ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू क्या करते हैं, हम क्रीम निकालते हैं, तो ग्रेविटेशनल मेथड के कंपेयर सबसे अच्छा एडवांटेजेस किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड के थ्रू निकालने पर, ठीक है। चलें तो देख लो यहाँ पर कंपेयर, जो ग्रेविटी मेथड है, गुरुत्वाकर्षण है, उससे क्रीम ऑप्टेन करते हैं तो 12 से 36 घंटे, 24 घंटे तक रखते हैं ना अपन, और जबकि अब केंद्रीय विधि में समय बहुत कम, 1 घंटे के अंदर निकल जाएगा, मतलब क्रीम सेपरेटर के थ्रू। इसमें फैट लॉस होता है किसमें, ग्रेविटी मेथड में 0.3 से 1.5, जबकि क्रीम सेपरेटर में मात्र फैट लॉस कितना होता है, 0.1%, ठीक है। चलिए फैट लॉस समझ गए ना, फैट लॉस क्या होता है कि दूध में, क्रीम में प्रेजेंट या दूध में प्रेजेंट जो फैट ग्रैनुअल्स हैं वो दूध में क्या हो जाना, सॉल्युबल हो जाना, वही फैट लॉस है। अब केंद्रीय विधि में बता चुका हूं 20 से लेकर 82%, जैसे जितना आप क्रीम स्क्रू को ढीला छोड़ोगे उतना कम फैट, जितना टाइट करोगे उतना ज्यादा गाढ़ा फैट निकलेगा भैया, क्रीम निकलेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में कभी भी 20 से 25% तक ही प्राप्त होती, उससे ज्यादा नहीं निकलता है, ठीक है। और ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसको पहले बता चुका हूँ, जो हम जामन मिलाते हैं तो क्रीम खट्टा हो जाता है, तो उस खट्टेपन को कम करने के लिए कुछ बेसिक नेचर के क्षारीय प्रवृत्ति के एक्टिव मटेरियल, क्रियाशील पदार्थ हम उपयोग करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ आपको।